तो अगर आप मेरे चैनल को लगातार करके फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि नथिंग फोन 2 जो है वो जुलाई 11 को रिलीज होने वाला है, और इसके काफी सारे रेंडर्स जो हैं वो बाहर आ चुके हैं, काफी ज्यादा चीजें जो हैं वो लीक हो चुकी हैं। कार्ल पे ने खुद ने, जो कंपनी का सीईओ है, उन्होंने जो है वो खुद ने स्क्रीनशॉट जो है वो लीक कर दिया है। और यहाँ पर जो है वो कैमरा लेफ्ट अलाइन नहीं है जैसे कि नथिंग फोन 1 के अंदर था, यहाँ पे जो है वो कैमरा सेंटर के अंदर आएगा सेल्फी वाला स्क्रीनशॉट के हिसाब से। तो कम से कम यहाँ पे कार्ल पे ने जो है बोला कि जितने भी रेंडर्स वगैरह आए हैं अभी तक स्मार्टफोन के वो सारे के सारे फेक हैं और असली वाली चीज जो है वो अभी तक नहीं दिखी है इंटरनेट के ऊपर। और मेरे ख्याल से कार्ल पे सही है इस वाली चीज के अंदर, क्योंकि पुराने वाले रेंडर्स के अंदर जो कैमरा है वो साइड में ही दिखा रहा है। लेकिन अब कार्ल पे ने जो है वो एक और चीज ट्वीट करी है जो कि काफी ज्यादा लोगों ने जो है भयंकर तरीके से इग्नोर करी, और वो ये है कि उसने जो है वो सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 प्रो खरीदी है, और खरीदने के बाद बोला है कि मैंने इस वाली घड़ी को खरीदा है और सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि ये सही है क्या है या फिर नहीं है। और फिर उसको बोला है कि ये वाली घड़ी मुझे काफी ज्यादा यूजलेस लगती है, क्या इसके कुछ फायदे हैं भी सही या फिर नहीं है। और काफी ज्यादा लोगों ने जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है फायदे वगैरह बताया, हालांकि जितने भी लोगों ने कमेंट्स करे थे वो सिर्फ और सिर्फ उस घड़ी को जीतना चाहता था, क्योंकि बेसिकली वो वॉच 5 प्रो का गिव अवे भी कर रहा था अपने ट्विटर के ऊपर। और ये बहुत ज्यादा रैंडम इवेंट लगता है, मतलब कि कोई कंपनी का सीईओ कोई दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद के उसको टेस्ट वगैरह कर रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात जो है वो नहीं है। बट अभी रिसेंटली इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन साइट के ऊपर एक लिस्टिंग आई और वो जो है वो नथिंग की तरफ से थी स्मार्ट वॉच कैटेगरी के अंदर, और यहां पे जो है वो चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होना स्टार्ट होती हैं। नथिंग अपनी खुद की स्मार्ट वॉच रिलीज करने वाला है। Now, अगर वो नथिंग फोन 2 के साथ में रिलीज करने वाले होते तो फिर अभी तक जो है वो लीक्स वगैरह आना स्टार्ट हो चुके होते, वो खुद ही जो है वो कुछ ना कुछ शेयर कर दिया होता या फिर इस वाले टॉपिक के ऊपर बात ही जो है वो करना स्टार्ट कर दिया होता। तो ऐसा जो है वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से नथिंग फोन 2 के साथ में जो है वो रिलीज नहीं होगी, उसके थोड़े से टाइम बाद रिलीज होगी। हो भी सकता है कि हो जाए, इट्स लाइक अ सरप्राइज इवेंट वगैरह के तरीके से जो है वो रिलीज हो जाए, बट इतना तो श्योर है कि इंडियन मार्केट के अंदर नथिंग की तरफ से कुछ ना कुछ आने वाला है स्मार्ट वॉच कैटेगरी के अंदर। वो हो सकता है कि स्मार्ट बैंड हो, वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा सस्ती वाली स्मार्ट वॉच हो सकता है कि थोड़ी सी महंगी स्मार्ट वॉच हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वॉच 5 की जो है वो ट्वीट आई थी, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 5 जो है वो काफी ज्यादा प्रीमियम स्मार्ट वॉच है, एंड्रॉइड मार्केट के अंदर वो सबसे ज्यादा महंगी स्मार्ट वॉच है और उसके अंदर गूगल का वियर OS आता है, और जितनी भी अच्छी घड़ियां होती हैं उनके अंदर जो है वो एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो होना चाहिए, कोई भी चौपी और लैगी यूजर इंटरफेस जो है वो नहीं चलाना चाहता। जितनी भी अच्छी स्मार्ट वॉचेस होती हैं उनके अंदर अच्छे एंड्रॉइड सिस्टम ही आते हैं, जैसे कि वियर OS हो गया, टाइजन OS हो गया या फिर वॉच OS हो गया एप्पल की तरफ से। तो अगर नथिंग इस वाली कैटेगरी के अंदर उतर रहा है और उन्होंने वॉच 5 प्रो को जो है वो टेस्ट करा है, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर जो है वो वियर OS ही आएगा गूगल की तरफ से। एंड नथिंग को इस वाली कैटेगरी के अंदर और ज्यादा डिफरेंशिएट जो करती है वो है इसका डिजाइन। हमेशा नथिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्टाइलिश और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स डिजाइन जो है वो रिलीज करता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे अपने को ट्रांसपेरेंट डिजाइन देखने को मिले इस वाली घड़ी का, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक फैक्टर होगा। जैसे बचपन के अंदर अपन वो ट्रांसपेरेंट वाली घड़ियां चलाते थे जो कि जी शॉक की रिप ऑफ वगैरह हुआ करती थी, वो चीज जो है वो काफी ज्यादा अच्छे फॉर्म फैक्टर में, काफी ज्यादा अच्छी मटेरियल चॉइस के साथ में और स्मूथ यूजर इंटरफेस के साथ में अपने को देखने को मिलेगी नथिंग की तरफ से। और अभी इस वक्त सबसे ज्यादा सस्ती वाली स्मार्ट वॉच जिसके अंदर अपने को वियर OS देखने को मिलता है वो लगभग 11,000 रुपए समथिंग से जो है वो स्टार्ट होती है, जो कि फॉसिल की तरफ से आती है। सैमसंग की पुरानी घड़ियां जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 वगैरह भी जो है उसके अंदर भी वियर OS आता है, और वो भी जो है वो 14 से 15,000 रुपए समथिंग के अंदर आपको मिल जाएगी देखने के लिए, वो भी LTE वाला वेरिएंट। तो इतने ज्यादा भयंकर कॉम्पिटिशन को मात देने के लिए हो सकता है कि नथिंग इसको काफी ज्यादा सस्ता रिलीज करे। लगभग अगर 20,000 से ये लोग कम का रिलीज करते हैं तो ये वाले स्मार्ट वॉच के चलने के जो है वो काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली OnePlus ने भी अपनी खुद की स्मार्ट वॉच जो है वो रिलीज करी थी जो कि लगभग 15,000 रुपए की थी, लेकिन उसके अंदर जो है वो वियर OS नहीं आता था। अगर OnePlus उस 15,000 की घड़ी के अंदर वियर OS वगैरह डाल के दे देता तो वो अभी भी जो है वो गरम गरम कचौड़े की तरह बिक्री होती और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग स्मार्ट वॉच होती, लेकिन OnePlus के उस वाले मूव की वजह से OnePlus का पूरा स्मार्ट वॉच लाइनअप ही जो है एक तरीके से बिगड़ गया, और अब वो 5,000 की OnePlus Nord वॉच जो है वो बेच के खुश होते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो 5,000 की Nord वॉच के अंदर भी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती, तो मतलब क्या सेंस उस वाली घड़ी को खरीदने का मुझे समझ नहीं आता। मैं बात करूँ डिजाइन की, तो काफी ज्यादा रेंडर्स जो बेकार वाले जो फेक वाले रेंडर्स होते हैं उनके अंदर जो है वो राउंड डायल देखने को मिल रहा है, लेकिन अक्सर जो है वो नथिंग एप्पल की कॉपी करने की कोशिश करता है और एप्पल जैसा बनने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर जो है वो अपने को राउंड डायल जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे एप्पल वॉच का ही जो है वो डिजाइन वगैरह अपने को देखने को मिलेगा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट के अंदर, ऑब्वियसली बटन वगैरह की पोजीशन या फिर क्राउन वगैरह की पोजीशन जो है वो हल्की फुल्की अलग होगी, लेकिन यहाँ पे अपने को स्क्वायर डायल जो है वो मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एंड दिस इज ऑब्वियसली जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है कि राउंड डायल भी आ जाए, अपन जो है वो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये वाली घड़ी जो है वो BIS सर्टिफिकेशन पे आ चुकी है। ये वो वाला सर्टिफिकेशन होता है जो कि हर प्रोडक्ट को लेना ही होता है इंडियन मार्केट में एंट्री मारने से पहले, और बहुत ही ज्यादा जल्दी जो है वो अपने को नथिंग स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर।
एंड वो जो है वो प्रॉबली जो है वो अपने बजट के अंदर भी आएगी, मतलब एक प्रीमियम होगी ऑब्वियसली, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चीप वाली नहीं होगी, मतलब 5,000 की तो नहीं होगी ऑब्वियसली। यहाँ पे आपको स्मूथ इंटरफेस वगैरह देखने को मिलेगा, अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन देखने को मिलेगा, तो ये आराम से जो है वो 20,000 तक जो है वो पहुंचेगी ही सही, और हो सकता है कि महंगी भी रहे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ, जय हिंद।